अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आप पैदा करो किसी दूसरे पे मुनहसर रहो ही नहीं। पुराने करीम में आयत है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, बड़े रिलेवेंट है यहाँ के लिए, आज के लिए। भगवान कह रहा है सारे बंदों से, जितने इंसान हैं पूरी दुनिया में, कि मैंने तुम्हारे अंदर अपनी रूह फूंक रखी। भगवान ने अपनी रूह फूंक रखी है हर इंसान के अंदर। तो आप ये सोच सकते हैं क्या कि किसी के अंदर हल्की फूंकी होगी, किसी के अंदर भारी फूंकी होगी? उसकी रूह सब में बराबर की फूंकी हुई है, आप में भी, मुझ में भी और ब्राह्मणों में भी, सब में बराबर की रूह फूंकी हुई है। ये इंसान का बनाया हुआ वो है हिसाब, ये कास्ट है, वो कास्ट है, ये नीचे लेवल का है, ये ऊंचे लेवल का है, ये सब जो है भगवान का बनाया हुआ नहीं, उसकी मर्जी के खिलाफ है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका लास्ट सर्मन था, आखिरी जो खुतबा था, वो था आज से 14 सदी पहले। उस दिन उन्होंने कह दिया था कि आज के बाद से सारी इंसानियत के लिए कह दिया था कि किसी एक इंसान के लिए भी ये होगा ही नहीं कि वो दूसरे से सुपीरियर है। किसी भी तरह से कोई एक इंसान दूसरे इंसान के मुकाबले में सुपीरियर बड़ा नहीं माना जाएगा। हाँ, सिर्फ एक मामला है जिसमें बड़ा हो सकता है कि वो भगवान के बताए हुए रास्ते पे कितनी अच्छी तरह चल रहा है। जो ज़्यादा अच्छी तरह चल रहा होगा भगवान को खुश करने के लिए, वो बड़ा। बाकी काला और सफ़ेद और कोई कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब इस्लाम कायम हुआ तो जो मस्जिद खड़ी बनी, जो मदीने की मस्जिद है, उस मस्जिद में अजान रहती थी, उसके लिए आदमी सेलेक्ट होना था। वो सब कमीजी सबसे खूब भारत रत्न जैसे होता है, वो जमाने में वो था। उसके लिए उन्होंने एक काले आदमी को सेलेक्ट किया, बिलाल, हजरत बिलाल रफी को, जिसको कि उस वक्त के रूप में माना जाता, उसको सेलेक्ट किया कि तुम खड़े हो मेंबर के ऊपर, सबसे ऊँचे तुम खड़े हो, तो तुम अजान दो, सबको बुलाओ जाना। तो अब मैं आपको अगर करूँ एक आज के शेड्यूल कास्ट के एक बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझको इनवाइट किया अपने घर के ऊपर कुछ डिस्कशन करने के लिए। मैं गया तो चाय वाय आ गई, चाय पी ली, उसके बाद फिर उन्होंने खाने का टाइम आ गया, आप उसको तो ऑर्डर करने पड़ा गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ खाना खाएंगे? आप सोचिए कितना भारी क्वेश्चन है ये, उसके पीछे क्या क्या आपको पूरी उम्र के तजुर्बा उनके रहे होंगे एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ खाना खाएंगे? मैंने उनको जवाब दिया कि मैं आपके साथ इस शर्त पर खाना खाऊंगा कि मैं आपकी प्लेट में ही खाना खाऊंगा। मैंने खाया, वो शर्त उन्होंने मानी, मैंने इंसिस्ट किया, एक ही प्लेट मंगाई, एक ही प्लेट में खाना, और हम दोनों ने एक ही प्लेट। आपको चाहे जितने रेजोल्यूशन मिल जाए, आप चाहे जितने जो है सिविल सर्विसेज में और पार्लियामेंट में अपनी अपनी आप 15% के हिसाब से पहुंच जाए, वो पहुंच रहे हैं 70 साल से आप पहुंच रहे हैं, लेकिन ढेरों में जगह नहीं मिली आपको, ढेरों में आपको जगह नहीं मिली। आपको जेल में जगह मिलनी चाहिए, उसके लिए जो तैयार हो वो आपका है। डॉक्टर पाल कहते हैं कि दिले पीना भी कर खुदा से तलब, ऐसा दिल जो देखता हो, आदमी देखता है चाहे आँख से। उन्होंने कहा खुदा से ये मांगो अपने पैदा करने वाले से कि तुम्हें देखने वाला दिल मिले। दिले पीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर
फिर देखने वाले बनेंगे, वरना अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर दिल दो में है। जब माइंड और हार्ट मिल जाते हैं तब सही नतीजा निकलता है। माइंड तो चल गया आपको रिजर्वेशन दे दिया, हार्ट नहीं चला तो रिजल्ट आपका नहीं निकला। इसको बराए मेहरबानी अपनी रियल प्रॉब्लम को समझ कर लीजिए। बात अभी हो रही थी जस्टिस प्राइवेट सेक्टर की कमिटी की, उन्होंने जो सिफारिशें की थी उसमें से एक सिफारिश ये भी की थी कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया पूरे मुल्क में जो लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना, अपनी कोई कंपनी चला रहे हैं, अपना प्रोफेशन है, उससे फायदा उठाने के लिए जिन लोगों को रखते हैं अपने यहाँ उसमें भी अगर वो इस बात का ख्याल रखें कि हर समाज के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हो, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हों, तो फिर ऐसे बंदे को इनाम दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को स्पेशल इनाम राष्ट्रपति भवन की तरफ से दिया जाना चाहिए। उसका नाम रखा था इंसेंटिव स्कीम बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी इंडेक्स, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने भी वो नहीं बनाई और इस गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाई। आप अपनी ये डिमांड रखिए कि गवर्नमेंट से इंसेंटिव स्कीम बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी इंडेक्स आप करिए। कितने लोगों ने नाम सुना है हिंदी का उपनयन, उपनयन किसी ने सुना? उपनयन सुना आपने? मैं आपको बता, उपनयन कहते हैं कि जब बच्चा 11-12 साल का हो जाता है तो उसके एक जनेऊ बांधा जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं वेदास के, और उसके बाद उसके ऊपर झाड़ा फूका जाता है, और उसके बाद सन बनाया जाता है, और उसके बाद फिर वो हो जाता है कि हाँ वो क्वालिफाई हो जाता है कि वो वेदास को पढ़ सकता है। लेकिन ये राइट शेड्यूल कास्ट को नहीं, ये मांगिए ना अपने लिए, आप कहीं उपनयन बदलो, कानून लाओ, उपनयन के अंदर कहो कि ये जो गलत ट्रेडिशन चल रहा है कि पैदा होने की बुनियाद के ऊपर ये तय हो रहा है कि किसको राइट है उपनयन का, किसको राइट नहीं है, ये बदलो। आप ये मांगिए ना भाई, जब आप वो मांगेंगे और वो आपको मिल जाएगा, मिल भी सकता है आपको, लेकिन जब आप मांगेंगे कहाँ मिलेगा, तब आपके लिए दिलों में पैदा हो जाएगा, तब वो आपको अपने साथ प्लेट में खाना खिलाएंगे। इनफैक्ट वह कहेंगे आप यहाँ आकर दिखलाइए मुझे खाना खिलाइए। आर्टिकल 51A सब आर्टिकल 3 वो कहता है कि हर शहरी, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए पूरी कोशिश करे, और जो नहीं करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल कहता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, किनके लोगों में, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी। इसको आप और सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आर्टिकल आपको कोट कर रहा हूँ, यहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें कास्ट का कोई जिक्र नहीं। कास्ट की बुनियाद के ऊपर आपस में मोहब्बत पैदा करने की ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। आप वो मांगिए कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51E में कास्ट का लफ्ज मिला, जो कास्ट की बुनियाद के ऊपर नफरत पैदा करे उसको सजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिलनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए आपको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन नहीं है, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है लेकिन डेफिनेशन नहीं है। आर्टिकल 341 में लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट कौन होगा, ये भारत के राष्ट्रपति बनाएंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 1950 में ऑर्डर पास कर दिया, उसमें ये दिया जो लिखी उन्होंने प्रोफेशंस पेशे, भंगी, चमार, लोहार, दर्जी, नाई वगैरह वगैरह, जो जिस नाम से जिस स्टेट में जाना जाता है स्टेट वाइज लिस्ट ले करके बंच कर दिया,
ये शेड्यूल बात है, लेकिन आप देखिए करार उसके ऊपर एक नोट लगाया, उसमें पैरा 3 में लिखा शर्त ये है कि वो हिंदू हो। उसके बाद 1956 में हिंदुओं के साथ सिखों को जोड़ दिया और 1990 में उसके साथ बुद्धिस्ट को जोड़ दिया। किसको अलग करना था? मुसलमान को और ईसाई को शेड्यूल कास्ट से अलग करना था, जबकि वो भी बंगी जमात और मेरे घर के अंदर जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आपको 65 साल का हो गया, तब से 68 मुसलमान बंगी है। लेकिन अगर मैं बंगी हूँ और मेरे बाप बाप दादा पिछले 500 साल से बंगी थे, तो मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन रिजल्ट ठीक पे तब तक नहीं लड़ सकता जब तक मैं अपना इस्लाम धर्म बदल करके और हिंदू न बन जाऊँ या सिख न बन जाऊँ या बुद्ध न बन। ये कॉन्स्टिट्यूशन 15, 16, 25 सब के खिलाफ है। लेकिन ये मैं आपको खाली हल्के से बात बता रहा हूँ, असली मसला दूसरा है। असली मसला ये नहीं है, अब आप ये समझिए मैं आपको बता और करिएगा इसको। डी लिमिटेशन एक्ट, परिसीमन एक्ट कानून, हदबंदी कानून का सेक्शन 91C बताता है पार्लियामेंट की और असेंबली की कौन सी सीटें रिजर्व होंगी। यह आपको मालूम है, अगर जो जन साहब को मालूम हो वो हाथ उठाए। मुझे भी अभी कुछ देर पहले मालूम कि पूरा देश इससे नावाकिफ है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शेड्यूल कास्ट के रूप में उसमें लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया कि साहब 15% सीटें रिजर्व हो जाएंगी शेड्यूल कास्ट के। कौन सी सीटें रिजर्व होंगी ये डिलिमिटेशन एक्ट 91C में लिखा हुआ, उसमें ये लिखा है कि पूरे सूबे में, पूरे इसमें प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी शेड्यूल कास्ट की वो सीटें रिजर्व होंगी। क्यों? ताकि जो इलेक्ट हो वो अपने शेड्यूल कास्ट का काम करे ना, है ना, समझदारी की बात है ना। लेकिन ये जो सेक्शन है 91C पिछले 68 साल से इसकी खिलाफ वर्जी होती आ रही है, कंटिन्यूसली होती आ रही है, और आपको रिजर्वेशन वहाँ से दिया जाता है जहाँ आप या तो नहीं है या बहुत कम पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो आपने हो गई नहीं। जहाँ आप 56% है, 57% है, 60% है, 65% है वो सीट रिजर्व नहीं है। यहाँ आप बहुत कम है परसेंटेज वो सीट रिजर्व है। दिस इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल ये डिलिमिटेशन एक्ट सेक्शन 91C। ये भी मैंने आपको इसको बता दिया है, ये खेल है बहुत बड़ा, 70 साल से आपके खिलाफ चल रहा है, बराए मेहरबानी इसको समझिए। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट, सेक्शन कमेटी, जस्टिस सेक्शन कमेटी ने एक सिफारिश बहुत जबरदस्त की थी जिससे सबसे ज़्यादा फायदा शुरू का होना है। उन्होंने कहा था कि जो ग्रेजुएट लेवल के एडमिशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिसिन वगैरह, उसमें जो एडमिशन है उसके लिए जो यार्डस्टिक है, जो क्राइटेरिया है, उसे पहले से और करिएगा। जो 12वें में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा उसका दाखिला होगा, करिए। तो सबसे ज़्यादा नंबर लेके कौन आएगा? आप लेके नहीं आएंगे सबसे ज़्यादा नंबर, क्योंकि आपके हालात ही ऐसे नहीं है। तो जस्टिस सेक्टर साहब ने कहा कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का दाखिला है पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में बदल दो और वो नया लाओ, उसका नाम रखो ऑल्टरनेट एडमिशन क्राइटेरिया। उसमें ये करो कि 60% तो देखो कि मेरिट कितनी, 60% मेरिट, 40% ये देखो उस कैंडिडेट की बैकवर्डनेस कितनी, बैकवर्डनेस ज़्यादा हो तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, और बैकवर्डनेस तय करने के लिए उसके फैमिली के अंदर क्या कारोबार हो रहा है, आमदनी कितनी है, वो जिस जिले का है वो कितना बैकवर्ड है, ये सब देख के तय। आज तक किसी हुकूमत ने उसके ऊपर बात ही नहीं की, और मैं और आप उसको जानते ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमेटी थी वो, उसका नाम जस्टिस सेक्टर कमेटी पड़ गया बाद में, और वो ये रेजोल्यूशन कैबिनेट से अप्रूव है, पार्लियामेंट से अप्रूव है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये मांगे ना आप
अगर डिग्री आप कह रहे हैं तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, तब आपकी और मेरी आगे आने वाली जो जनरेशन हो, आज से 100 साल की बात ही होती है भाई। अभी हम 2019 में है ना, 2019 की मतलब ये खाली 2119 2219 319 उस वक्त जो लोग चेतन पास की होंगे उनकी कैसे एडमिशन बनी, उस पर डिपेंड करेगा कि आज हम और आप मिल करके क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ये मैं आपको बहुत बीच में बताता चला जा रहा हूँ, मैंने पॉइंट तौर पर लिखे थे लेकिन मैं बहुत तेजी में आगे बढ़ जाता हूँ। मैं हाल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक बात तक मैं आपको अपनी तरफ से अर्ज करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से एक हाइपोथेसिस बनाई है, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, परिकल्पना बनाई है अपनी तरफ से हाइपोथेसिस, उसका नाम मैंने रखा है ट्रेल 33 TRAIL-33। ये मैं आपको अपना अपनी तरफ से कलाम दे रहा हूँ और ये मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी और सारे मुख्तलिफ मजहब के लोगों को देता रहता हूँ। मैं सरकार फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हूँ लेकिन इंटरफेथ कोएलिशन फॉर पीस का भी प्रेसिडेंट हूँ, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाने का मौका मिलता है। ये ट्रेल जो है TRAIL, ई के मतलब है टाइम समय, आज के मतलब है रिसोर्सेज, कितने पावरफुल हैं आप। आपने एक फोन उठा के किया, मंत्री जी बैठे में एक फोन उठा के किया, काम हो गया है ना। ये है रिसोर्सफुलनेस, टी फॉर टाइम, आर फॉर रिसोर्सफुलनेस, ए फॉर एसेट्स, एसेट्स के मतलब है जमीन जायदाद, आई जो है इनकम आमदनी कितनी, और एल है लव प्यार मोहब्बत। ये पांचों चीज़ें हम में से हर एक को भगवान ने दे रखी हैं लेकिन मैंने इसके आगे लिखा 33%, इसमें से एक तिहाई आज से तय कर लीजिए कि मुझे अपने ऊपर और अपनी जो न्यूक्लियर फैमिली में तीन बच्चे बहन भाई उसका खर्च नहीं करना, किसी और का खर्च करना है जो जरूरतमंद है जिसका कोई सहारा नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।